इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर, क्वेश्चन में पूछा है कि बार्ली का जो स्टेम होता है उसमें वैस्कुलर बंडल्स किस टाइप के होते हैं। तो बार्ली इज़ अ मोनोकोट प्लांट, एंड एज वी नो कि मोनोकोट प्लांट के अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स का टाइप होता है क्लोज टाइप, बिकॉज इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है एंड कैम्बियम भी एब्सेंट होती है। सो इसमें मिलने वाले जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो कौन से हैं? कैम्बियम टाइप। एंड इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मीन्स इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता। जो आउटर साइड में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं, एंड इनर जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये बिग साइज के होते हैं, लार्ज होते हैं। सो ये टाइप का जो अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं स्कैटर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। सो रिगार्डिंग टू दिस हम ऑप्शंस देखें क्या क्या है। फर्स्ट है क्लोज्ड एंड रेडियल, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज रेडियल टाइप का इसमें अरेंजमेंट नहीं होता। सेकेंड है ओपन एंड स्कैटर्ड, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज इसके अंदर ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल नहीं मिलता। थर्ड है क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड, तो यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन है वो राइट हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। फोर्थ है ओपन एंड इन अ रिंग, तो यहाँ पर रिंग में अरेंजमेंट नहीं होता एंड ओपन वैस्कुलर बंडल भी नहीं होते, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा।